गाजीपुर की पाताल गंगा सब्जी मंडी जो एक साल में करीब 5 करोड़ से ऊपर का राजस्व देती है, बदले में मंडी समिति किसानों को कोई भी सुविधा नहीं देता है। अलबत्ता अब किसानों को इस मंडी से दूर करने का जिला प्रशासन ने कार्य शुरू कर दिया है, जिसको लेकर बलिया के सांसद ने किसानों से संवाद किया और जिला प्रशासन और मंडी समिति को खरी खरी जवाब देते हुए कहा कि यह 5 करोड़ रुपया तुम्हारे बाप के खजाने का नहीं है, मेरे खजाने का है, यहाँ विकास करो। बलिया लोकसभा के सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त को अपनी समस्याओं को लेकर किसानों ने एक पत्र पिछले दिनों सौंपा था। इसके बाद बीरेंद्र सिंह मस्त ने किसान संवाद कार्यक्रम पाताल गंगा मंडी में रखा और साफ शब्दों में कहा कि किसी भी हाल में यह मंडी यहाँ से शिफ्ट नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमें इस बाजार नहीं कह सकते, क्योंकि जो बाजार सड़कों पर लगती है वो अस्थायी बाजार नहीं होती है। तो जाम और सड़क पर बाजार जो लगता है वो बाजार नहीं होता। सड़क का बाजार मेरे समझ से अस्थायी बाजार होता। बाजार लगाने की एक जगह बनाओ और बाजार लगाने की जगह मंडी बनाओ, वहां मंडी में इकट्ठा करो। और शेख साहब, 5 करोड़ रुपया अगर मंडी समिति लेते हैं तो आपसे मैं भरोसा दिलाता हूं, इस किसान भाइयों के समक्ष मैं अभी आप लोगों को सूचना देकर अभी डीएम से मैं यही बात कर लेता हूं कि किस दिन बैठक करना है और मीटिंग करके ये तय करेंगे कि 5 करोड़ रुपया हमसे अगर सालाना लेते हो तो ये तुम्हारे बाप के खजाने का पैसा नहीं है, मेरे खजाने का पैसा है। उस विकास के लिए मुझे 5 करोड़ में से ज्यादा पैसा खर्च करना। कुछ तौर है, कुछ तरीके हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ कहानी है, ये रिवायतें भी तो निभानी है। इस खुशबू की रिवायत भी अजीब है, उदास दिल को पल भर में खुशियों से भर देती है। नए भारत की नई रिवायतें, नाइस बासमती राइस, एक खास सी रिवायत।